चलो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम कर रहे हैं अपनी लिमिट्स को कंटिन्यू। हाँ जी, आज एक फॉर्मूला कराते हैं पहले। अब फॉर्मूला ऑफ लिमिट्स है हमारे, सबसे पहले एक फॉर्मूला है मेरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल होता है एन ए की पावर एन माइनस वन के, राइट। अब ये क्या है, कैसे है? एक बात जान लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नंबर है, एक्स मतलब वेरिएबल, यानी वेरिएबल एक पर्टिकुलर नंबर पे जा रहा है, और दोनों की पावर क्या है, सेम है, दोनों की पावर सेम है, ठीक है, और वही दोनों नंबर नीचे माइनस भी हो रहे हैं, तो ये इसके इक्वल होता है। अभी को कुछ भी समझ नहीं आया होगा, डोंट वरी, अब आएगा समझ। क्वेश्चन पिक करते हैं, लेट्स से सैम स्पेशल नंबर टू, एसएस टू नहीं है, टू ही तो होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेट्स से मैंने आपको कहा बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, एक्स की पावर फोर माइनस सिक्सटीन अपॉन में एक्स माइनस टू, इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। क्या करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, एक्स की पावर फोर, सिक्सटीन को मैं लिख सकता हूँ टू की पावर फोर, बोलिए यस और नो, ठीक है, अपॉन क्लियर, इतना पहले यहां तक क्लियर हुआ इसको, क्या ये इससे कोरिलेट करता है, कोरिलेट कैसे इसको समझो पहले, एक्स 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 देखो, एक्स एक्स यहां पर भी एक्स 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 टू एक्स, उसकी भी पावर सेम होनी चाहिए, टू की पावर फोर सेम पर पावर फोर फोर यस और नो, अपॉन में एक्स माइनस टू का माइनस है नीचे, यस, तो किसके इक्वल है, एन ए की पावर एन माइनस वन, बेटा एन क्या है यहां पर, फोर, ए क्या है यहां पर, टू की पावर फोर माइनस वन, दैट इज फोर इंटू टू का क्यूब, तो फोर इंटू एट इज थर्टी टू, कुछ बात समझ आई। एक क्वेश्चन देता हूं पहले, मतलब किसी को इसमें डाउट है हल्का सा, एक क्वेश्चन है मेरा स्पेशल थ्री, डाउट दोबारा समझ लो बेटा, कंडीशन ये है मेरी कि जो पावर यहां पर है एक्स के ऊपर है वही इस कांस्टेंट की पावर बननी चाहिए, अगर एक्स की पावर फोर है तो यहां पे टू की पावर भी फोर, ये ना कि टू की पावर थ्री हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, वही लिमिट भी होनी चाहिए एक्स टेंड्स टू टू, ठीक है, पॉइंट क्लियर, यस और नो। अब एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, ऑनलाइन वाले भी अटेंड करेंगे, एस एस थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, एक्स की पावर फाइव माइनस थ्री फोर्टी थ्री अपॉन में एक्स माइनस थ्री, एक बार इसे सॉल्व करके दिखाओ राइट नाउ, पता लगेगा आपको आया नहीं आया। एक छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पे मैंने 343 लिख दिया, इट शुड बी 243, अब करना इसे, आओ बेटा लिमिट x टेंड्स टू 3, ये x की पावर 5 है, 243 किसकी पावर पे होता है, 3 की पावर 5 पे अपॉन x माइनस 3, राइट। क्या इससे कोरिलेट करता हुआ है, ये चेक करें, है बिल्कुल है, क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ए मतलब ये नंबर, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एन ए की पावर एन माइनस वन, लिमिट यानी क्या हो जाएगा सर, एन एन इज व्हाट पावर, फाइव इंटू थ्री की पावर फोर, फोर जीरो फाइव, राइट, यही आ रहा आंसर, ठीक है। अब आते हैं एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं आपके लिए,
एग्जांपल है ये, हाँ जी फॉर्मूले तो अभी और भी है, एग्जांपल थ्री का फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंस टू वन, x की पावर 15 माइनस वन अपॉन x माइनस x की पावर 10 माइनस वन। इसको कराने से पहले एक ना छोटी सी प्रॉपर्टी बतानी है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। आओ पहले वो बता रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है क्या, पहला अगर मान लो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और उस पर लिमिट लग रही है, तो मैं दोनों पे सेपरेट भी लगा सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस वन, यानी लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू b x टेंस टू a जी एक्स। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई होकर लिमिट लगा रहे हैं तो दोनों पे सेपरेट लिमिट भी लगा सकते हैं, क्लियर। सेकेंड, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, दो फंक्शन क्या हो रहे हैं ऐड, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अगेन दोनों पे क्या लग सकती है बेटा, सेपरेट लिमिट। नेक्स्ट, एफ एक्स बाय जी एक्स, अगर डिवाइड हो रहे दो फंक्शन, तो अगेन इस पे भी सेपरेट, यानी कैसे, ऊपर पे लिमिट लगाओ और नीचे पे लिमिट लगाओ, क्लियर। ऊपर लिमिट और नीचे लिमिट, इतना पॉइंट क्लियर। कैसे, अगर आप ये ध्यान से देखो तो आपको पता ही होगा कि मैं ऊपर भी लिमिट अलग लगा सकता हूं और नीचे भी, यस और नो, यहां तक क्लियर। अगर आप नोटिस करें बेटा, अगर आप नोटिस करें तो ये किसी की याद नहीं दिला रहा है, x की पावर 15 माइनस वन, थोड़ा ध्यान से देखो, किसी की याद दिला रहे। चलो आपके लिए मैं काम करते हुए लिख देता हूँ इस वे में, एग्जैक्टली वन की पावर 15 लिख सकता हूँ मैं, वन को, वन की तो कुछ भी पावर हो सकती है, x की पावर 15 माइनस वन की पावर 15, लिमिट x टेंस टू वन, x की पावर 10 माइनस वन की पावर 10, याद है, क्लियर। अगर आप नोट करो तो एक किसी से कोरिलेट करता हुआ नहीं मिल रहा, ध्यान से देखो, किसी से मिलता जुलता कुछ याद आ रहा है इसको देखते हुए, सिर्फ इतने फंक्शन को लो मैं ढक देता हूँ, देखो कुछ मिलता जुलता याद आ रहा है, अब थोड़ा लाउड बोलो, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, एनी वन एल्स, कोई और, एग्जैक्टली पहले वाला क्वेश्चन, अगर आप नोटिस करें मेरा ये फॉर्मूला बनता है, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, राइट। एक मिनट, अभी उसी पॉइंट पे भी आऊंगा, ऑनलाइन ने कहा है कि सर नीचे तो एक्स माइनस नहीं है, मैं कह रहा हूं बेटा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन जाए, कुछ मिसिंग है इसके लिए, क्या मिसिंग है, एक्स माइनस ए नहीं वन, इस क्वेश्चन में वन होगा ना, एक्स माइनस वन मिसिंग है, यहां तक क्लियर। अच्छा अब फिर से देखो जरा, नीचे वाले पे फोकस करना, नीचे वाला भी कोरिलेट करता हुआ है या नहीं है, देखो ना नीचे भी इस तरह का फॉर्मूला बन रहा है, एक्स की पावर एन, नहीं है समझ, नहीं बन रहा, अच्छा ऊपर बन रहा था, एक मिनट, अभी मैंने बोला ये ऊपर वाले में फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, लग रहा है फॉर्मूला बनेगा, क्या मिसिंग है बट इसके लिए,
x माइनस वन राइट ओके। अब यहां पे देखो जरा डिनोमिनेटर में लग रहा है ये फॉर्मूला बन रहा है पूरा, इसमें भी कुछ मिसिंग है, ध्यान से देखो क्या मिसिंग है, x माइनस वन क्या मिसिंग है इसमें, x माइनस वन मिसिंग है। तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, x माइनस वन से डिवाइड, और एक्चुअली क्या करूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही x माइनस वन से डिवाइड, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस वन। x की पावर 15 माइनस वन पावर 15 अपॉन में x माइनस वन अपॉन में x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन में x माइनस 1। कुछ बात समझ आई नहीं आई, आपके शक्ल पे लिखा हुआ कुछ नहीं समझ आई, फिर भी आपने पूछा नहीं, थोड़ी वैसी हो गई थी, मैं साफ बोल रहा बेटा। ये देखो जरा अब इसको नोटिस करना, क्या ये फॉर्मूला फिट बैठता है, कोरिलेट करता हुआ मिल रहा है, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 1, x की पावर n, x की पावर 10 माइनस वन की पावर 10, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस वन, कोरिलेट करता हुआ मिल रहा है, यस और नो? ठीक है, अब जरा एक काम करो, यही चीज डिनोमिनेटर में भी देखो, माय बैड न्यूमिनेटर में भी देखो, लग रही है मिलती जुलती, यहां तक क्लियर? ओके, नाउ ये किसके इक्वल होता है बेटा, एन ए की पावर एन माइनस वन के। इधर n क्या है ऊपर वाले में, n ऊपर वाले में क्या है 15, 15 इंटू a, a क्या है 1 की पावर 14 अपॉन में 10 इंटू 1 की पावर 9, 15 बाय 10 विच इज 1.5 या 3/2, कुछ पॉइंट क्लियर हुआ? पहले यहां तक नोट करो फिर आगे चलूंगा। आओ बेटा अब इसको देखते हैं, अगर आप नोटिस करो अगेन लिमिट न्यूमरेटर पे अलग और डिनोमिनेटर पे अलग लगा सकता हूं, जस्ट लाइक दिस वन, लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1, और इसे 1 को भी क्या लिख सकता हूं मैं, 1 की पावर 1/3, लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6, बोले यहां तक क्लियर, यस और नो? अब एक सेकंड प्लीज, थैंक यू। अगेन ये फॉर्मूले की शक्ल ले रहे हैं, राइट? देखो फॉर्मूला फिट बैठता है कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, z टेंड्स टू 1 है, यानी यहां पर, यानी यहां पर और यहां पर नंबर सेम है, चेक करो तरीका बताता हूं जिनको प्रॉब्लम आ रही है, ये और ये नंबर सेम होना चाहिए, है सेम किस से बेटा, लिमिट से, मतलब जो यहां x है वही यहां पर भी हो, जो यहां z है वो यहां पर भी है, जो यहां नंबर है वो यहां पर भी है, बोले सुनो, दूसरा दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, पावर कुछ भी हो पर सेम हो, है? तीसरा x माइनस a, यानी इन दोनों का माइनस नीचे होना चाहिए, है इसके नीचे माइनस नहीं है, मिसिंग है ना, ठीक है। अब अगर अब जरा डिनोमिनेटर पे देखना, जो जो वेरिएबल यहां, अब मैं भूल गया मेरा वहां पे हैंड अर्ज किया, जो वेरिएबल यहां वही यहां, जो नंबर यहां वही यहां, यस और नो? क्या मिसिंग है बेटा, यानी z माइनस वन, क्लियर? तो क्या करेंगे सर, z माइनस वन है, ऊपर भी z माइनस वन मिसिंग और नीचे भी z माइनस वन मिसिंग, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z माइनस वन। z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन z माइनस वन, लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपॉन में z माइनस 1,
बन गया। अच्छा जी, फिर फॉर्मूला क्या है मेरा, एन ए की पावर एन माइनस वन, एन मतलब जो पावर है, ऊपर वाली पावर है कितनी, वन बाय थ्री इंटू वन की पावर वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन में वन बाय सिक्स की पावर वन, वन बाय सिक्स माइनस वन। अब वन की पावर कुछ भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वन बाय थ्री अपॉन वन बाय सिक्स, नीचे वाला रेसिप्रोकल, वन बाय थ्री इंटू सिक्स बाय वन, दैट इज टू, ये आंसर आ गया। क्लियर? अब एक ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल थ्री, वन बाय थ्री वन बाय सिक्स कहाँ पे बताओ, स्टॉप बोलना, ये वाला, ये बेटा वन की पावर कुछ भी हो कोई फर्क पड़ता है, वन का तो वन रहता है, वन क्या चीज, अरे ये एक साथ था वन बाय थ्री अपॉन वन बाय सिक्स था, ये कटा कैसे, कौन सी वाली मैं समझा नहीं, वन की पावर, बेटा एक बात बताओ, वन की पावर फाइव हो टेन हो इलेवन हो ट्वेंटी फोर हो, वन की पावर से आंसर क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वन का रूट भी वन होता है और वन की कोई भी पावर वन ही आंसर आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसे स्किप कर दिया। एग्जाम्पल थ्री का सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करो राइट नाउ, चलो अब एग्जाम्पल थ्री का सेकंड पार्ट बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से देखो इसको करने के दो तरीके हैं। क्या मैं इसे इस वे में लिख सकता हूं, वन प्लस एक्स को रूट है, रूट वन प्लस एक्स को पावर वन बाय टू, बोलो यस और नो, लिख सकता हूँ, नहीं, बच्चा बोला क्यों, बेटा रूट का मतलब पावर वन बाय टू होती है, ठीक है, और आगे वन है, वन की पावर कुछ भी रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपने को, अपॉन एक्स। अब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये फॉर्मूले से मिलता जुलता बन रहा है, चेक करो फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, कुछ लग रहा है मिलता जुलता, देखो यहाँ पे भी पावर सेम यहाँ पे भी पावर सेम लग रहा है ना, पर कुछ प्रॉब्लम है, एक्स माइनस ए भी नहीं है और दूसरा एक्स टेंस टू ए यानी ये टेंस टू वन होना चाहिए, हाँ जी हाँ जीरो आ रहा है ना, ये सही नहीं है ना, अभी यानी वन होना चाहिए ना, हाँ इसी पे आ रहे हैं, पहले यहाँ तक पहचान तो सबको क्लियर होगी। अब मैं इसको कुछ वे में कन्वर्ट कर दूंगा, कैसे, दो तरीके, पहला ये वाला तरीका जो बुक में है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, वन प्लस एक्स की पावर हाफ माइनस वन की पावर हाफ, और एक्स को मैं लिख सकता हूँ, एक्स को लिख सकते हैं एक्स प्लस वन माइनस वन, बोले ऐसा नो, वन एड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, अल्टीमेट एक्स ही रहा, क्लियर, इतना एक्स टेंस टू जीरो है, क्या दोनों तरफ वन ऐड कर दूं, वन प्लस एक्स टेंस टू वन, यानी लिमिट क्या हो गई, वन प्लस एक्स टेंस टू वन और ये वन प्लस एक्स की पावर हाफ माइनस वन की पावर हाफ, इसको अरेंज कर दो वन प्लस एक्स माइनस वन, क्लियर, ओके नाउ लिमिट वन प्लस एक्स टेंस टू वन, अब फॉर्मूला फिट बैठता है आपका, ध्यान से देखो बिल्कुल फॉर्मूले की शेप आ चुकी है, माइनस वन पावर हाफ वन प्लस एक्स माइनस वन, फॉर्मूला बन गया क्या, एन ए की पावर एन माइनस वन, एन क्या है आपका हाफ, ए क्या है वन की पावर वन बाय टू माइनस वन, अभी आपको वैसे ही पता है वन बाय टू ही आएगा, एफ लगा थोड़ा सा इजी कराएं, अब इजी लो, इसी का एक ऑल्टरनेटिव वे बताता हूं आपको, निंजा शक्ति चाहिए किसी को, हाँ अच्छा आपने तो मेरे से पढ़ा हुआ है ना चैप्टर ये ऑलरेडी, इसलिए कर दिया, ऑल्टरनेटिव क्या बेटा, क्वेश्चन क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन प्लस एक्स की पावर वन बाय टू
माइनस वन की पावर वन बाय टू अपॉन एक्स, यही था। अब ध्यान से सुनना, निंजा शक्ति ले लो बेटा, क्या आपको मिलता जुलता लग रहा है फॉर्मूले से? जल्दी देखो, है मिलता जुलता? लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन, ए की पावर एन, अगर आपको फॉर्मूले से मिलता जुलता लग जाए बस काम हो गया। कैसे? आप एक काम करना, जो फर्स्ट वेरिएबल वाली टर्म है ना, इसको कोई दूसरा वेरिएबल दे दो नाम जो आपको पसंद है। y, बच्चे ने कहा वाई देते थे, मैंने लेट कर लिया इसको, क्या वन प्लस एक्स को वाई के इक्वल, ऑनलाइन मैंने क्या कर दिया, वन प्लस एक्स को वाई के इक्वल, क्लियर। तो x क्या हो गया बेटा, x की वैल्यू निकालो, y माइनस वन, राइट, ओके। x टेंड्स टू जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा, y माइनस वन टेंड्स टू जीरो। अच्छा वन को इधर भेज दूं, अगर y माइनस वन इधर है उधर आके क्या हो जाएगा, यानी y टेंड्स टू वन, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बस अब तो हो गया क्वेश्चन का प्रॉब्लम नहीं है, तो देखते जाओ कैसे। बच्चा कहता ऐसा कर सकते हैं, यस ऑब्वियसली कर सकते, तभी करा रहे हैं, अगर नहीं कर सकते मैं पढ़ाता ही ना ये चीज पर। तो लिमिट, डियर बच्चा कह रहा है कि सर इक्वल्स टू नहीं है, कंफ्यूजन थी बेटा। अगर आप देखो एक्चुअली टेंड्स टू का मतलब क्या है, वेरी नेग्लिजिबल चेंज, अगर मैं वन ऐड करूंगा तो चेंज भी तो नेग्लिजिबल बढ़ेगा, पॉइंट क्लियर, ओके। नाउ वन प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा मेरा, वन प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, क्या देगा, वाई, वाई की पावर वन बाय टू माइनस वन की पावर वन बाय टू अपॉन एक्स, एक्स किसके इक्वल है, वाई माइनस वन के, क्लियर, लगा दो। लिमिट y टेंड्स टू वन, फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, बन गया फॉर्मूला, n a की पावर n माइनस वन, एन कितना है, वन, वन बाय टू की पावर वन इंटू वन बाय टू माइनस वन, वन बाय टू हो गया। बोलो सर एक क्वेश्चन और ट्राई के लिए, क्वेश्चन सिक्स राइट नाउ। देखो बेटा अब इसके स्टेप्स चेक करो कि क्या ये सही है गलत है। वन प्लस एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो है, वन प्लस एक्स की पावर फाइव माइनस वन की पावर फाइव अपॉन एक्स, ये ना मेरा क्वेश्चन, फॉर्मूला मिलता जुलता है किससे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ऊपर तो मैच कर रहे हैं सर, तो क्या करूंगा, मैंने सिंपल बोला, ट्रिक क्या है, इस वाले को लेट कर लो y, लेट कर लो वन प्लस एक्स को y के इक्वल, x क्या हो जाएगा y माइनस वन, अब लिमिट भी चेंज होगी, x टेंड्स टू जीरो था तो y माइनस वन टेंड्स टू जीरो, तो y टेंड्स टू वन, क्लियर। अब लिमिट y टेंड्स टू वन हो गया, वन प्लस एक्स की जगह y, y की पावर फाइव माइनस वन की पावर फाइव अपॉन x की जगह क्या आ जाएगा मेरा, y माइनस वन इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, n a, n यानी पावर, पावर कितनी है फाइव, a कितना वन, फाइव माइनस वन विच इज फाइव, पॉइंट क्लियर, ठीक है। चेक करो प्रेजेंटेशन में, अक्सर आप लोग गलतियां क्या करते हैं बच्चा, कि लिमिट नहीं लगाता वर्ड, ठीक है, यहां पर भी लिमिट भूल जाता है, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिख देता है, यहां पर कॉमन एरर है ये। आगे चलते हम, एसएस फोर मैंने दिया क्वेश्चन, इसे अटेम्प्ट करो राइट नाउ। चलो एसएस फोर, अब ये क्वेश्चन पे अटकोगे कैसे सर, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री, एक्स का क्यूब प्लस थ्री की पावर थ्री, एक्स की पावर फाइव, थ्री की पावर फाइव, अब बड़ा मिलता जुलता लग रहा है ना सर। एक काम और कर देता हूँ, इसकी लिमिट सेपरेट कर देता हूँ, ऊपर अलग नीचे अलग, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री,
एक्स क्यूब प्लस थ्री का क्यूब, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री, एक्स क्यूब प्लस थ्री क्यूब, सॉरी एक्स की पावर फाइव प्लस थ्री की पावर फाइव, बहुत मिलता जुलता लग रहा है। पर दो प्रॉब्लम है इधर। फॉर्मूला बनाने के लिए पहली चीज, फॉर्मूले के लिए मेरा बीच में क्या होना चाहिए इनके, माइनस, फॉर्मूले के लिए बीच में माइनस होना चाहिए, पर यहां पर तो सर प्लस है। अटक गई कहानी, अटक गए ना, वेट। एंड दूसरा एक्स माइनस ए होना चाहिए, जब ऊपर इन तो नीचे कहां से होगा, तो प्रॉब्लम हो गई। अब क्या करें बताता हूं। लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री, एक्स का क्यूब, क्या इसको मैं इस वे में लिख सकता हूं, प्लस को माइनस, माइनस थ्री का क्यूब, बोलो माइनस थ्री का होल क्यूब। बात समझ आई कुछ? क्योंकि आपको पता है कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो, आंसर क्या आता है, नेगेटिव की पावर ऑड हो तो आंसर आएगा नेगेटिव। बात समझ आई? जैसे माइनस थ्री का क्यूब कितना आंसर देगा, माइनस 27, और माइनस थ्री का स्क्वायर पावर इवन हो जाए तो पॉजिटिव आता है। पॉइंट क्लियर? तो इसको इस वे में लिख सकते हम, ठीक है। एंड सेम नीचे वाले को भी, एक सेकंड प्लीज, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर मेस्ड अप हो गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री, एक्स की पावर थ्री माइनस, माइनस थ्री की पावर थ्री, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री, एक्स की पावर फाइव माइनस, माइनस थ्री की पावर फाइव, ठीक है। फिर अब ये तो बन गया मेरा, पर अभी भी मिसिंग है क्या, x माइनस ए, क्या करूं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, किससे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करूंगा बच्चे का, x माइनस माइनस थ्री, या आप x प्लस थ्री भी बोल सकते हो सीधा, क्लियर। अब आप बोल रहे हो सर x माइनस थ्री से नहीं करेंगे, नहीं, यहां पर इस बात को समझना बेटा, जो लिमिट है मेरी वो क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री, राइट, इन दोनों के बीच माइनस होना चाहिए, एक्स माइनस माइनस थ्री। बात समझ आई? लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री, एक्स क्यूब माइनस, माइनस थ्री का होल क्यूब अपॉन में एक्स माइनस माइनस थ्री अपॉन लिमिट x tends to minus 3, x की पावर 5 माइनस, माइनस 3 की पावर 5 अपॉन में x माइनस माइनस 3। n a, n क्या बेटा, 3, ठीक है, ऊपर वाले में n क्या है, 3 पावर, a a क्या है नंबर, माइनस 3 की पावर 2 अपॉन 5 इंटू माइनस 3 की पावर 4, क्लियर, ओके, 3 इंटू 9 अपॉन में 5 इंटू 81 कितना हो गया मेरा, 27 कट भी गया इससे तो जाएगा 3 पे, तो 1/15 इज माय आंसर बेटा, क्लियर है कंफ्यूजन, ओके। क्वेश्चन SS5 करके दिखाओ राइट नाउ, ये तो इजी है, चलो SS5 देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट एस एक्स टेंस टू 2, एक्स की पावर एन माइनस 2 की पावर एन अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 80। फॉर्मूला तो पहले फिट बैठ गया, डायरेक्टली लगाना है क्या, एन 2 की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 80। यहां तक आप सबने कर ही लिया होगा, दिक्कत आएगी यहां पर। अब यहां पर सॉल्व कैसे करें बेटा, 80 के फैक्टर्स करो, 80 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 240, 220, 210, 255, 1, 2, 3, 4, यानी
टू की पावर फोर और क्या बच गया फाइव यस और नो एन टू की पावर एन माइनस वन अगर आप कंपेयर करो आपका आंसर वैसे ही आ चुका है एन कितना हुआ फाइव ये था आंसर चाहे ऐसे देख लो 2 की पावर 4 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा यानी 4 n माइनस 1 हुआ अगेन n मेरा कितना आ गया 5 ये लो क्लियर ये था पॉइंट आपका बोलो समझ आ रहा है